हरियाणा की 20 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट मानुषी छिल्लर ने चीन में आयोजित प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में अंतिम 5 प्रतिभागियों में शामिल होने के बाद भारतीय सुंदरी मानुषी छिल्लर से पूछे गए सवाल ने मानुषी को विनर बना दिया। मानुषी से पूछा गया था कि किस प्रोफेशन को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और क्यों। मानुषी छिल्लर ने कहा कि एक माँ को सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और जहाँ तक सैलरी की बात है तो इसका मतलब रुपयों से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से है। Since I'm very close to my mother, I think a mother deserves the highest respect. And when you talk about salary, I don't think it's just about cash, but I feel it's the love and respect that you give to someone. And I think my mom has always been the biggest inspiration in my life. And all mothers, they just sacrifice so much for their kids. So the profession which deserves the highest salary, the highest respect and love, I should be of a mother. इस प्रतियोगिताओं में कुल 118 देशों की सुंदरियाओं ने शिरकत की थी जिसमें मानुषी सब पर भारी पड़ गई। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद देश में खुशी का माहौल छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मानुषी छिल्लर को बधाई देते हुए कहा, भारत को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। और राहुल गांधी कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी ट्वीट कर मानुषी को शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी मानुषी छिल्लर को बधाई दी। हम आपको बता दें कि इस खिताब को हासिल करने वाली भारत की पहली महिला रीता फारियर ने 1966 में ये खिताब जीता था। इसके बाद ऐश्वर्या ने सन 1994 और प्रियंका ने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल किया था और प्रियंका के 17 साल बाद मानुषी छिल्लर ने यह खिताब अपने नाम किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।